Hi guys and welcome to your favorite Java tutorial in Hindi. Favorite है या ना है, मुझे लगता है कि आपको मुझे बताना ज़्यादा सही होगा. Anyways, वो एक अलग कहानी है. अब पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको मैं जो है बुलियन सिखाऊंगा और आपको डिवीजन दो छोटी नंबर से भी घबराने सिखाऊंगा. तो उन दो प्रोमिस में अनफॉर्चुनेटली एक ही प्रोमिस मैं इस वीडियो में करूँगा, क्योंकि उसका भी एक कारण है. नाउ बुलियन मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ऑपरेटर्स जो है हमने थोड़ी बहुत इधर उधर से जो हमने देखे थे और थोड़ी बहुत हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे, उससे ऑपरेटर्स की कहानी जो है ख़त्म नहीं होता. ऑपरेटर्स में दो तीन चीज़ें और हैं, वो मुझे आपको बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि ए इज इक्वल टू 10 और मतलब ए और बी का वैल्यू जो है मैं छोटा रखूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 2. जब मैंने इसको सेव किया और पहले इसको सेव किया और मैं जब कंपाइल किया तो मुझे आया कहाँ गया. यस ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ए फॉरवर्ड स्लैश बी मतलब जो है क्वेश्चन मिलता है तो 10 डिवाइडेड बाय 2 जो है आपको 5 मिलता है. ओके, तो रिमाइंडर जब चाहिए आपको तो आपको ए परसेंटाइल बी या फिर ए मॉड्यूलस बी उसको लगाना पड़ेगा, जो परसेंटेज का जो सिंपल है उसको लगाना पड़ेगा, तो आपको रिमाइंडर मिलती है. ऑब्वियसली 10 डिवाइडेड बाई 2 में आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा. एनीवेज वो एक अलग कहानी है. अब दिखाता हूँ आपको मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में. अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का सीधी सी मीनिंग है, अगर मैं लिखता हूँ प्लस प्लस ए तो वो इंक्रीमेंट हो जाता है, अगर मैं लिखता हूँ माइनस माइनस ए तो ऑब्वियसली वो इसका जो है डिक्रीमेंट होता है. इंक्रीमेंट मतलब एक आगे बढ़ाना और डिक्रीमेंट मतलब एक पीछे घटाना. ठीक है, अब वो सॉल्व हो गया. अब क्या है, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में दो और तरीके होते हैं, मतलब उसका भी सब डिविजन. जैसे मान लीजिए प्री इंक्रीमेंट एक चीज़ होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट एक चीज़ होता है. अगर मैं अभी प्लस प्लस ए को देखिए, यहाँ पे प्लस प्लस ए प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्लस प्लस जो है आगे हो रहा है और आगे है ए के. अगर मैं इसको लिखता हूँ ए प्लस प्लस तो उसका अलग मीनिंग होता है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. मान लीजिए मैंने एक नया वेरिएबल लिया int f, डिक्लेयर किया int को f के साथ और इनिशियलाइज किया उसको a++ के साथ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println और f. ठीक है, तो अभी आप क्या सोच रहे होंगे कि a 10 है तो ऑब्वियसली 11 आनी चाहिए वैल्यू. देखते हैं आते हैं कि नहीं. सेव किया मैंने, अब इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है. देखिए वैल्यू जो ए का है वो 10 ही आ रहा है, क्योंकि जावा जब देखता है, अभी जावा आखिरी जहां एक सेकंड मैं आपको पोस्ट इंक्रीमेंट भी बताता हूं तभी आप उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे. ठीक है, अभी जो है पोस्ट इंक्रीमेंट किया, अभी मैं इसको प्री इंक्रीमेंट करता हूँ प्लस प्लस ए ए, तो ये जो है प्री इंक्रीमेंट हुआ. अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, सेव किया कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं. अभी देखिए एफ प्लस प्लस ए तो ये प्री इंक्रीमेंट हुआ, तो ए का वैल्यू जो है 11 आया. तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ. जब मैं आपको याद है जब मैंने आप ए प्लस प्लस लगाया था तब वैल्यू जो है 10 आया था, क्योंकि आखिरी एक जहां पे है उसका वैल्यू तब 10 था, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ. थोड़ा सा कंफ्यूज होगा मुझे, मैं दिखाता हूँ. देखिए अगर मैं इस यहाँ पे ए लिखता हूँ प्लस प्लस लिखता हूँ, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए. ठीक है, अगर मैं ए लिखता हूँ और प्लस प्लस लिखता हूँ तो जब कंपाइलर जो है यूं यूं चलता है, तो जब यहाँ पे पहुँचता है कंपाइलर को मिलता है ए, ए कंपाइलर के हिसाब से 10 है क्योंकि कंपाइलर ने यहाँ से ए का वैल्यू 10 दे लिया था.
ठीक है, अभी एक कंपाइलर के पास 10 है। अब कंपाइलर ने देखा कि प्लस प्लस करना है, तो मतलब ऑब्वियसली ऑब्वियसली इंक्रीमेंट हुआ। ओके, इंक्रीमेंट हुआ, पर तो इस सिचुएशन पे आइए, तब अगर एफ का वैल्यू उस वक्त जो है 10 है, क्योंकि ए प्लस प्लस का, अब उसके बाद देख कंपाइलर यूं जाती है, पहले इंट लिया, फिर पता चला एफ है उसका आइडेंटिफायर, अब इक्वल हुआ ए, यहाँ पे रुक गया। इस सिचुएशन मान लीजिए कंपाइलर यहाँ पे रुक गया, इस सिचुएशन पे ए का वैल्यू जो है एफ पे जाता है जिसका है 10। अब उसके बाद प्लस प्लस गया, ठीक है, उसका मतलब ये है कि अभी जो है इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ इक्वल ए, अब ए का वैल्यू देखिए, जब कंपाइलर यहाँ पे था तब ए का वैल्यू यहाँ पे, ओके, जब कंपाइलर यहाँ पे था तब ए का वैल्यू जो है 11 है, पर जब कंपाइलर यहाँ पे था इस ए के साथ था, तब इस ए के साथ, तब कंपाइलर ए का वैल्यू जो है 10 है, ठीक है, आपको समझ में आ रहे होंगे। अब अगर मैं इसको एफ इज इक्वल टू ए लिखता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ एफ, तब मुझे आनी चाहिए, देखते कंपाइल करते हैं, तब ऑब्वियसली 11 आएगा। पर अगर मैं ये नहीं लिखता, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं होगी, तब तब एफ का वैल्यू जो है 10 होता। अब जो क्योंकि ये हमने पोस्ट इंक्रीमेंट कराया, अगर हम प्री इंक्रीमेंट करते तो ये प्लस प्लस जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, प्लस प्लस जो है इसके पहले आते और एफ ए का वैल्यू जो है 11 हो जाता, नहीं 10 रहता, नहीं हाँ 11 हो जाता, सॉरी सॉरी 11 हो जाता। ओके, एनीवेज मैं ये वीडियो जो है इस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, और तब बुलियन आपको सिखाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, और मैं करूँगा अभी, ठीक है, तब तक गुड बाय।